चर्चित कवि कुमार विश्वास एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनके विवादित बयान को लेकर हो रही है। उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव कार्यक्रम में रामकथा पर विचार रखने पहुंचे डॉक्टर कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ बता दिया है। कुमार विश्वास का बयान सामने आते ही आरएसएस से जुड़े और उसे जानने वालों का गुस्सा फूट पड़ा है। वे कुमार विश्वास पर जमकर आक्रोशित हैं। नाराजगी इस कदर है कि ट्विटर पर #ShameOnKumarVishwas तेजी से वायरल हो रहा है। कुमार विश्वास के बयान के बाद आरएसएस के स्वयंसेवक भड़क गए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा को समझने वाले भी इससे नाराज हैं। लोग कुमार विश्वास के बयान को समग्र हिंदू समाज का अपमान कह रहे हैं। चूंकि आरएसएस हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो बहुत से लोग कुमार विश्वास के बयान को एक गुप्त एजेंडा तक कह रहे हैं। समग्र हिंदू समाज की तरफ से एक पत्र संस्कृति मंत्रालय के निदेशक के नाम लिखा गया है। उज्जैन में विष फैलाने पर कुमार विश्वास माफी मांगे। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अभी तक के सरसंघ संचालकों की फोटो उनकी डिग्रियों के साथ ट्विटर पर पोस्ट कर बताया है कि कौन कितना पढ़ा हुआ है। कुछ यूजर कुमार विश्वास के बयान को आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा भी कह रहे हैं। ओम दीपेश हरी सोनी नाम के एक ट्विटर यूजर ने सरसंघ चालकों की फोटो उनके डिग्रियों के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, ये कह रहे हैं अब तक माननीय सरसंघ चालक कुमार विश्वास जी, अब बताइए इनमें से किसे अनपढ़ कहेंगे और अगर ये अनपढ़ है तो आप शिक्षित किन्हें कहेंगे। वही त्रिवेंद्र सिंह राठौर नाम के एक यूजर लिखते हैं, रामकथा के पवित्र मंत्र से ऐसी भाषा का प्रयोग, संघ के लोग अनपढ़ है। ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास का कोई गुप्त एजेंडा है, कोई अधूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। संघ के लिए अनर्गल बोलकर आपने कुछ आकाओं को खुश करने की कोशिश की है।